Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your own channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back in another new video. So today's topic is nervous system of frog. In nervous system of frog, we discuss each and everything bit related to nervous system. So I hope you really enjoy this video. So first we read for it in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything bit simple and easy manner. So I hope you really enjoy this video. So let's begin. So the system for control and coordination is highly involved in the frog. जो system होता है control का coordination का होता है ये highly involved होता है frog में. Frog में highly involved क्यों होता है? क्योंकि जो frog होता है वो small vertebrate है, यानी frog जो है वो vertebrate है. Vertebrate में जो nervous system का सारी की सारी चीज़ें होंगी वो अच्छा खासा developed होती हैं और well functioned होती हैं. Frog क्या है हमारा? Frog क्या है? ये small vertebrate है. Small वर्टिब्रेट है फ्रॉग क्या है? स्मॉल वर्टिब्रेट है. ठीक है, स्मॉल वर्टिब्रेट है, इसलिए इसमें सारे के सारे फंक्शन जो होंगे अच्छे खासे होंगे, वेल फंक्शन होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जो इसके बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करेंगे वो कौन कौन से करेंगे? न्यूरल सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाएगा और उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगी वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाएंगे. इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ये हमारी, इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं हिंदी में. इंडो का मतलब होता है अंदर, अंतः. ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां. ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं. इंडो का मतलब होता है, क्या होता है इंडो का मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर. जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रंथियां पाई जाएंगी उनके द्वारा जो केमिकल्स निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं हम? हार्मोन्स बोलते हैं. जो हार्मोन्स होते हैं हमारे वो केमिकल मैसेंजर होते हैं. जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो सीधे जाके वो ब्लड में मिल जाते हैं, तो उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. ठीक है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव बाई हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना. जो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो केमिकल के द्वारा, है ना, कोई भी कोऑर्डिनेशन हो, कोई भी समन्वय हो. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय बनाना या तालमेल बनाए रखना. सीधे वर्ड में पढ़ें तो क्या होगा? तालमेल बनाना. ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होगा कि तालमेल बनाए रखेगा दो चीज़ों के बीच में. जो केमिकल मैसेंजर रिसीव किसके द्वारा होगा? वो हार्मोन्स के द्वारा होता है. द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव बाई हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाई द इंडोक्राइन ग्लैंड. जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल के द्वारा कोऑर्डिनेशन होगा जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा होगा वो हार्मोन्स के द्वारा होगा. जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हार्मोन्स के द्वारा होगा. हार्मोन्स जो होते हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, आप समझ गए होंगे. आगे देखते हैं, द प्रोडोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी. जो प्रोडोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो अच्छे से पाई जाती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड फ्रॉग की बॉडी में पाई जाती हैं वो हमको यहाँ पे बताया गया है. एक तो पिट्यूटरी पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, और पीनियल बॉडी पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, पैंक्रियाटिक इसलेट्स पाई जाती हैं. ठीक है, पैंक्रियाटिक इसलेट्स पाई जाती हैं, और क्या पाई जाती है, एड्रेनल और गोनेट्स पाई जाती हैं. गोनेट्स में क्या आएंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे, जैसे टेस्टिस आएगा. गोनेट्स में क्या आ जाएंगे, टेस्टिस आ जाएगा मेल में, और ओवेरी आ जाएगा फ्रॉग में, मतलब फीमेल फ्रॉग में. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, प्रोडोमिनेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं फ्रॉग में कौन कौन सी होती हैं? पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, थाइमस होती है, पीनियल बॉडी होती है, पैंक्रियाटिक इसलेट्स होती हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, और गोनेट्स होते हैं. तो आगे क्या बताया गया हमको, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड. जो नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, ये हमको फिगर दिया गया है, मैं फिगर बाद में बताऊंगा. जो नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, जो नर्वस सिस्टम बना होता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बना होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसको इंक्लूड करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, यानी CNS में क्या आएंगे,
CNS में क्या आएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होगा चारों तरफ, पेरीफेरी का मतलब होता है चारों तरफ, है ना, जो चारों तरफ नर्वस सिस्टम होगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होगा, उसमें क्या कहेंगे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व को इंक्लूड करेंगे। तो ये याद रखेंगे कि CNS में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं, ठीक है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आती हैं, ठीक है। डेट आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसमें एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक होता है, एक सिंपथेटिक होता है। सिंपथेटिक का मतलब हमारी बॉडी के अनुसार हमारी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, सिंपथेटिक का क्या काम करेगा, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा, सिंपथेटिक का नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, यानी वो एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और पैरासिंपथेटिक का मतलब सिंपथेटिक के अपोजिट काम करेगा, यानी उसकी एक्टिविटी को ये कम करेगा, पैरासिंपथेटिक जो होगा एक्टिविटी को कम करेगा। ये पार्ट किसके हैं, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक, ये पार्ट किसके हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या रहा था, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ रही थी, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, है ना, जिसमें फ्रॉग में होती हैं 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉग में कितने पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, तो हम क्या बताएंगे, 10 पेयर, कितनी, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं फ्रॉग में, 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं फ्रॉग में, 10 पेयर यानी 20 क्रेनियल नर्व पाई जाएंगी फ्रॉग में, है ना, एक पेयर में कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, तो यानी 20 क्रेनियल नर्व पाई जाएंगी फ्रॉग में, जो कि कहाँ से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं। आगे देखते हैं, ब्रेन इज इनक्लोज इन बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, है ना, जो ब्रेन होता है फ्रॉग का वो एक ब्रेन बॉक्स में इंक्लोज होता है, जैसे हमारी बॉडी का ये हेड में होता है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ऐसे फ्रॉग में भी होता है, ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं, है ना। ब्रेन इंक्लोज बाय ये बोनी स्ट्रक्चर, बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, और ब्रेन बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है, क्रेनियम होता है, ठीक है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, ब्रेन को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जैसा कि हम लोग में भी होता है कि ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, फोर मतलब अग्रमस्तिष्क, है ना, इसको क्या बोलेंगे, अग्रमस्तिष्क, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन को यानी मध्य मस्तिष्क, मध्य वाला हो गया, मध्य वाला बीच वाला ब्रेन हो गया, और हैंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क, मतलब पीछे साइड का ब्रेन हो गया, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ब्रेन के, वो देखते हैं। फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो फोर ब्रेन होगा, आगे वाला लोब होगा, तो उसमें क्या होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे। ऑल्फैक्टरी का मतलब होगा यहाँ सूंघने से, है ना, स्मेल के लिए, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होगा वो स्मेल को, स्मेल से रिसेप्टर पाए जाएंगे इस लोब में, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब में। और पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा इसमें, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा, और एक अनपेयर्ड डायनसेफलॉन पाया जाएगा। तो यानी फोर ब्रेन में कौन कौन क्या क्या आया, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स आए, जो कि स्मेल में काम करेंगे, स्मेल में हेल्प करेंगे, और पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर आया, और अनपेयर्ड डायनसेफलॉन आया, ठीक है। उसके आगे क्या दिया गया है, मिड ब्रेन करेक्टराइज बाई ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, जो मिड ब्रेन में होगा, मिड ब्रेन में क्या होगा, एक पेयर जो होगा, ए पेयर ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब जो होगा ये हेल्प करेगा किसमें, विजन में, यानी देखने में हेल्प करेगा, ऑप्टिक देखने में हेल्प करेगा। और जो ऑल्फैक्टरी था फोर ब्रेन का, वो किसमें हेल्प करता था, स्मेल में, स्मेल रिसेप्टर्स होंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो हैंड ब्रेन है, हैंड सिर्फ मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज़ पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, ये हम याद रखेंगे, मिड ब्रेन में सिर्फ एक पेयर ऑप्टिक लोब पाया जा रहा है, ठीक है। और हैंड ब्रेन में क्या है, हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, है ना, जो हैंड ब्रेन होगा पश्चिम मस्तिष्क होगा, उसमें क्या क्या पाया जाएगा, सेरिबेलम पाया जाएगा और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पाया जाएगा, ठीक है। यानी मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज़ पाई जा रही थी, क्या पाई जा रही थी, उसमें ऑप्टिक लोब पाई जा रही थी, और इसमें जो हैंड ब्रेन में है उसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पाया जा रहा है। बट फोर ब्रेन में क्या पाया जा रहा था, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जा रहे थे, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जा रहा था, अनपेयर डायनसेफलॉन पाया जा रहा था। आगे देखते हैं, द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूड इनटू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो कहाँ से पास होता है, यानी किसके थ्रू पास होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा में जो पास होता है वो पास थ्रू फोरामेन मैग्नम, है ना, फोरामेन मैग्नम के, फोरामेन मतलब एक होल टाइप का होगा, ठीक है, ऐसे होल टाइप का होगा, इसी से जो होगा मेडुला ऑब्लंगाटा पास होगा, ये कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होगी वो वर्टिब्रल कॉलम में इंक्लोज होगी, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होगी वो वर्टिब्रल कॉलम में इंक्लोज होगी। क्यों इंक्लोज होगी? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी ना हो, इसलिए भगवान ने, गॉड ने अच्छे से बनाया है कि उसको वेल प्रोटेक्ट, मतलब उसका प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा खासा है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये जाएगी क्या स्पाइनल कॉर्ड, है ना, फोरा जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा फोरामेन मैग्नम से होके जाता है, ठीक है, याद रखेंगे ये। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, जो फ्रॉग में होते हैं डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, टच के लिए होते हैं, है ना, ऑर्गन ऑफ टच टच के लिए होंगे, टेस्ट के लिए होंगे, उसमें टेस्ट बर्ड पाई जाएंगी, स्मेल के लिए होंगी, स्मेल में जो नजल एपिथीलियम होता है, नाक वाला एपिथीलियम होगा वो स्मेल में हेल्प करेगा, है ना, ऑल्फैक्ट्री रीजन वाला, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री रीजन वाला, और जो विजन वाला होगा इसमें विजन के लिए भी होंगे, यानी तो इसमें क्या आएगा, ऑप्टिक वाला आएगा, ऑप्टिक वाला आएगा, यानी किसका, मिड ब्रेन, इसमें किसमें करेगा ये, मिड ब्रेन आएगा ऑप्टिक वाले में, ठीक है। एंड हियरिंग के लिए, हियरिंग के लिए यानी सुनने के लिए, टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर, है ना, इसमें जो टिम्पैनम होता है वो इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स में, ठीक है, यानी इसमें जो है एम्फीबियन और रेप्टाइल में टिम्पैनम होता है, इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं जिसको ऑर्गन ऑफ टच बोलते हैं, यानी ऑर्गन ऑफ टच का दूसरा नाम क्या है, इसमें क्या आएंगे, सेंसरी पेपली आएंगे, और टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स आएंगे, स्मेल के लिए नजल एपिथीलियम आएगा, विजन के लिए आईज आएंगी, एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम होता है, इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको, आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। तो इसमें ये बताया गया जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, यानी अच्छे से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और बाकी के बाकी जो होते हैं सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग में। क्या होते हैं? सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग। अराउंड नर्व एंडिंग का मतलब होता है जहाँ से नर्व की नर्व खत्म हो रही है, यानी समाप्त हो रही है, नर्व इंड हो रहा है, और अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, वहाँ पे चारों तरफ ये सेलुलर एग्रीगेशन से बनाएंगे, बाकी जो आइस और इंटरनल ईयर होता है ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आई इन फ्रॉग, जो आई होगी वो फ्रॉग में कहाँ पे सिचुएटेड होगी। आई इन ए फ्रॉग आर पेयर्ड, जो आई होती है वो क्या होती है, पेयर्ड आई होगी, यानी वन पेयर आई पाई जाएगी, यानी दो आँखें पाई जाएंगी, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, है ना, गोल स्ट्रक्चर होगी, और जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होगी, ऑर्बिट इन स्कल, यानी स्कल में, जैसे हमारी आँख भी है सिचुएटेड है स्कल के ऑर्बिट में, ठीक है, उसी तरह इसमें भी होगी, कहाँ पे सिचुएटेड होगी, ऑर्बिट इन स्कल, स्कल इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, उसके ऑर्बिट में सिचुएटेड होगी। दीज आर सिंपल टाइप की, ये जो आई होती है इसकी सिंपल टाइप की होती है, सिंपल आईज होती हैं, बट जो हमारे कॉकरोच में पाई जा रही थी उसमें कैसी आईज पाई जा रही थी, कंपाउंड आइज पाई जा रही थी, जो कि मोजेक विजन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, जिसको नॉक्टुरनल विजन भी बोलते थे, जो रात्रचर एनिमल में पाया जाता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, सिंपल आइज पाई जा रही हैं, सिंपल आइज जो होंगी सिर्फ एक यूनिट से मिलके बनेंगी, सिंपल आइज जो होंगी सिर्फ एक यूनिट से मिलके बनेंगी। एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट इन फ्रॉग, जो फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर ईयर पिन्ना पाया जाता है, तो फ्रॉग में वो अब्सेंट होता है, सिर्फ इंटरनल ईयर होता है जो टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वही पाया जाता है, है ना। एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट इन फ्रॉग, ओनली टिम्पैनम कैन बी एक्सटर्नली सीन, एक्सटर्नली इसमें सिर्फ टिम्पैनम होता है उसको एक्सटर्नली हम लोग सीन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉग में जो होगा यहाँ पे छेद टाइप का होगा, उसी को हम टिम्पैनम एक्सटर्नली सीन करते हैं, यानी उसी को बोलते हैं टिम्पैनम होता है, यानी टिम्पैनम ओनली रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है किसको, ईयर को, रिप्रेजेंट ईयर, ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है ओनली टिम्पैनम, ठीक है, जो कि बाहर देखा जा सकता है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना, जो ईयर होता है वो ऐसा ऑर्गन है जो कि हियरिंग में तो हेल्प करता है, यानी हमको सुनने में तो हेल्प करता ही करता है, और बैलेंसिंग में, बॉडी की बैलेंसिंग बनाए रखना, इक्विलिब्रियम बनाए रखना उसमें भी हेल्प
करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे कि ईयर हमको तो ये पता है, जो ईयर होता है हमको सुनने में हेल्प करता है, आंखें जो होती हैं देखने में हेल्प करती हैं, नोज जो होती है हमारी स्मेल करने में हेल्प करती है ना। तो बट हमारा जो ईयर होता है वो किस में हेल्प करता है, हियरिंग और बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है। तो फिलहाल ये नर्वस सिस्टम का छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया फ्रॉग के बारे में। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, है ना, कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, यू जनरेटिंग वीडियो डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। सो स्टूडेंट विद मी, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।